चौथी समुद्री यात्रा, मांस भक्षक और रिवाज। मेरी तीसरी यात्रा के बाद मैं वापस सही सलामत जीवित लौटा। उसी के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझसे वापस कोई भी मुसाफरी करने से रोक लिया। तुम्हारा एक परिवार है, तुम अपने आप को मुसीबत में मत डालो। पर मैं ठहरा नाविक, और नाविक होने के नाते मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मैंने मेरी पत्नी से कहा, चिंता मत करना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैंने मेरे परिवार से विदाई ली और दूसरे व्यापारियों के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ा। मैं अपनी यात्रा के मजे ले रहा था। एक दिन दरिया में एक बहुत ही भयानक तूफान आया। जोर से बारिश और जोरदार हवा ने हमारी यात्रा में बहुत सी बाधाएं डाली। हमारा जहाज उल्टा हो गया और उसके साथ साथ सभी लोग और सामान समुद्र में गिर गए। हमने जो मिला उसके सहारे तैरने का निर्णय लिया। हम बहुत दिनों तक तैरते रहे। थोड़े दिनों बाद हम एक टापू के पास पहुंचे। देखो एक टापू, हम सभी को उस टापू के पास जाना चाहिए। वो एक लकड़े के टापू जैसा लग रहा था। बड़े बड़े झाड़ सभी जगह दिखाई दे रहे थे। हमने उस टापू का अन्वेषण करने का निश्चय लिया। बहुत समय तक हम चलते रहे और फिर हमें एक घर दिखाई दिया। हमें कुछ आदिवासी लोग भी दिखाई देने लगे जो एक आग के आसपास नाच रहे थे। हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। अरे वो आदिवासी है, उन्हें मेहमान पसंद नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कोई मदद कर पाएंगे। तुम्हारे पास और कोई भी उपाय है? हमने उनकी मदद लेने का निश्चय किया। आदिवासियों ने हमारा स्वागत किया। तुम सभी नाविक लग रहे हो, आप सभी हमारे साथ रह सकते हो। उन्होंने हमें ढेर सारा खाना पीना दिया। हमने खाने को खूब आनंद से खाया। हमारे साथ आओ, हमने आपके रहने की व्यवस्था भी की है। वो हमें एक कोठार के पास ले गया। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, मेरे आदमी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। सिपाही कोठार के बाहर खड़े रहते थे। उन्होंने हमारी निगरानी करना शुरू किया। दूसरे दिन सुबह उन्होंने हमें और खाना पीना दिया। हमने वापस मजे से उस खाने का आनंद उठाया। हम इतना खा चुके थे कि हमें बहुत नींद आने लगी। हम सब सो गए और सीधा दूसरे दिन उठे। वापस उन्होंने सुबह हमें खाना पीना दिया और हमने वापस बहुत खाना खाया जिससे हमें नींद आने लगी। यही बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन खाना खाने के बाद मैंने सोने के बदले उस टापू का अन्वेषण करने का निर्णय लिया। मैं घने जंगलों के बीच चलता रहा और अचानक मैंने कुछ आवाजें सुनी। मैंने नेता को अपने आदमी से बात करते हुए सुना। मालिक, हमें और कितने दिन इन लोगों को खाना और पीना देना पड़ेगा? बस कुछ और दिन, वो लोग खा पी कर हट्टे कट्टे हो जाएं, फिर हम उन्हें खा सकते हैं। मैं ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। ये लोग तो हमें खाने वाले हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं तुरंत ही हमारे कोठार की ओर भागा और अपने मित्रों से सब कुछ सच सच कहा। सिंबाद, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। मैंने हमारे कोठार के बाहर खड़े एक सिपाही से विनंती की। साहब, कृपा करके हमारी मदद कीजिए, हम परिवार वाले हैं। हम यहाँ गलती से आ गए थे, हमें नहीं मरना। कृपा करके हमें यहाँ से निकालने में मदद कीजिए। सिपाही को हम पर दया आई और इसीलिए उसने हमारी मदद करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन सुबह उसने हम सबको एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाला और किनारे के पास पहुंचाया। हमने उस सिपाही को धन्यवाद कहा और वहां से निकल पड़े। बहुत ही मुश्किल यात्रा थी, पर हमें हमारी जान बचाने के लिए ये करना ही पड़ता। हमने बहुत दिनों तक मुसाफरी की। थोड़े दिनों बाद हमें एक दूसरा टापू दिखाई दिया। पूर्ण किनारा राजा के सिपाहियों से घेरा हुआ था।
उन्होंने तुरंत हमें पकड़ लिया और राजा के पास लेकर गए। मैंने राजा को संपूर्ण घटना बताई। राजा ने कहा, चिंता मत करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो, पर अगर तुम्हें इस टापू पर जीवित रहना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मैंने राजा से कहा, आप हमें कोई भी काम दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। राजा ने हमें उनके घोड़ों की देखरेख करने का आदेश दिया। हम उस टापू पर रहने लगे। हम रोज उन घोड़ों को खिलाते पिलाते और उनका अस्तबल भी साफ करते। मैं उन घोड़ों को सवारी के लिए भी लेकर जाता। राजा मेरे काम से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने मेरा विवाह एक गौरवशाली व्यक्ति की बेटी के साथ करवाया। महीनों बीत गए। एक दिन मेरी पत्नी का कोई बीमारी के कारण देहांत हो गया। इस राज्य का एक बहुत ही अजीब प्रकार का रिवाज था, जिसके बारे में मुझे कोई भनक नहीं थी। रिवाज ये था कि अगर पति या पत्नी का देहांत हो जाता है तो उनके साथीदार को उसी मृत शरीर के साथ दफना दिया जाता है। मैं ये रिवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। सिपाहियों ने मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी के साथ एक गहरे खड्डे में दफना दिया। उन्होंने मुझे एक जग पानी और ब्रेड के साथ टुकड़े भी दिए। मैं बहुत ही पीड़ा में था। मुझे लगा कि अब मैं मर जाने वाला हूँ। जब मैं इधर उधर हिलने लगा, मुझे एक बिल दिखा और उस बिल में से एक लोमड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मेरे हाथ पैर इधर उधर घुमाना शुरू किया और चिल्लाने लगा। वो लोमड़ी तुरंत ही घूमी, भागी और गायब हो गई। मैं समझ गया था कि यही मेरा एक मौका है वहां से बच निकलने का। खूब पीड़ा में और धीरे धीरे मैं उस बिल से बाहर निकला और किनारे की तरफ गया। एक सामान से भरा हुआ जहाज वहां से निकलने की तैयारी में था। मैं उस जहाज में चढ़ा और कप्तान से मुझे बगदाद ले जाने की विनंती की। थोड़े दिनों बाद हम बगदाद पहुंच गए। मैं मेरे परिवार को मिलकर बहुत ही खुश हुआ। तो ये थी मेरी चौथी यात्रा। मालिक, ये तो बहुत ही खतरनाक यात्रा थी। हाँ, क्या आप मुझे अपनी आगे की मुसाफरी के बारे में बता सकते हैं? जरूर। सिनबाद ने अपनी आगे की मुसाफरी के बारे में बताना शुरू किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।